अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं गन पाउडर बनाने जा रही हूँ, जिसका साउथ में काफ़ी यूज़ होता है, डोसा में, मतलब अप्पम में, हर चीज़ में यूज़ करते हैं। मैं इसका यूज़ भी बताऊँगी क्या करना है। तो मैं इसके लिए ये सारे सामान लिया हूँ। मूँगफली, कच्ची मूँगफली है, धनिया है, भुने हुए चने हैं, सरसों है, चना दाल है, काली मिर्च है, उड़द दाल है, मेथी है, तिल है, इमली, लाल मिर्च है दो तीन, और करी पत्ता है। नारियल भी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ नारियल खाते नहीं है बच्चे, इसलिए मैं नारियल नहीं ले रही हूँ। आप लोग नारियल डाल लें। अब मैं इसको पैन गरम करके मूँगफली के दाने डाल दिए, इसको हल्का रोस्ट कर दीजिए। इसमें ये भुने हुए चने डाल दें और तिल डाल दीजिए। ये 2 चम्मच तिल है, 2 चम्मच मूंगफली है, और करीब 1.5 चम्मच भुना चना है ये। इसको रोस्ट कर लीजिए। ये रोस्ट हो गया है, इसको आप एक बर्तन में निकाल लें, ठंडा होने दें। अब इसी पैन में ऑयल डालें, जो भी तेल खाते हो आप वो डाल लें, गर्म हो जाए। तो इसमें पहले चने का दाल, थोड़ा सा चला के इसमें उड़द दाल, इसमें 1 चम्मच मेथी दाने हैं, साबुत धनिया है, काली मिर्च, लाल मिर्च, कुछ करी पत्ते, और ये थोड़े से इमली हैं। बस ये रोस्ट हो गया, इसको निकाल लें। उस मसाले को मैंने जो रोस्ट किया था ठंडा होने के लिए रख दिया है, और जरा सा 1 चम्मच से 1.25 चम्मच जो है, 1.25 चम्मच सरसों है, पीली सरसों है, लाल डालना चाहे लाल डाल लें, राई डालना चाहे राई डालें, इसे भी रोस्ट करके उसमें मिक्स कर दिए। इसको सबसे छोटा दाना है इसलिए जल जाएगा, इसलिए अलग से मैंने किया है। अब ये ठंडा हो गया, इसमें 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, साबुत भी डाला है और ये भी डाल रही हूँ। चाट मसाला डाल रही हूँ, 2 छोटी चम्मची है, और ये लहसुन पाउडर है, ये ऑप्शनल है, आपको डालना हो डालें, ना डालना ना डालें, मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, 1/2 चम्मची। और ये अदरक पाउडर है, जिंजर पाउडर, ये भी ऑप्शनल है, आपको डालना होगा डालें, नहीं तो ना डालें, मैं डालती हूँ इसलिए डाल रही हूँ। इसको सबको मिक्स करके पीस लेंगे, अभी पीस के दिखाती हूँ मैं। ये हमारा पीस के, जो मैंने सब भुना था, पीस के तैयार हो गया है मसाला, गन मसाला, गन पाउडर इसे कहते हैं। अब इसे आप एक डब्बे में भर के रख दें। नमक मैंने मिक्सी में, जब जार में डाला था सारा भुना मसाला, तो उसमें डाल दिया था मैंने नमक 1 चम्मच, तो आप भी नमक डाल लीजिएगा और पीस लीजिएगा। अब इसे करीब 6 से 8 महीना आप फ्रीज में भी रख सकते हैं, स्टोर करके आप रख दें, जब जरूरत हो आप डालें,
ये रह जाता है, ख़राब नहीं होता क्योंकि सारी चीज़ें भुनी हुई हैं इसमें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।